बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भूमि माफिया सुधीर गोयल और राखी गोयल की 9,27,00,000 की संपत्ति जब्त। बड़ी जानकारी मिल रही है कि सुधीर गोयल की 5,13,00,000 और राखी गोयल की 4,14,00,000 की संपत्ति को किया गया कुर्क। बड़ी खबर आ रही है कि प्रॉपर्टी फ्रॉड कर गोयल दंपति ने अवैध रूप से बनाई थी करोड़ों की संपत्ति। सुधीर गोयल और राखी गोयल ने एक एक प्लॉट को कई बार बेचा। बड़ी जानकारी मिल रही है कि बैनामा एग्रीमेंट के बाद किसानों की जमीन का नहीं किया भुगतान। पुलिस भूमाफिया राखी गोयल और सुधीर गोयल को भेज चुकी है जेल। खबर आ रही है कि एसएसपी श्रलोक कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम कोर्ट में भेजी थी रिपोर्ट। डीएम ने जारी किया कुकरी का आदेश। ये यहाँ जनपद बुलंदशहर में एक घोषित भूमाफिया है सुधीर गोयल, जिसके विरुद्ध कई मुकदमे पंजीकृत हैं। उसके और उसके साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई, जिसमें कि आज सुधीर गोयल की लगभग 5.25 करोड़ की संपत्ति और उसकी पत्नी राखी गोयल की लगभग 4 करोड़ की संपत्ति, अर्थात कुल मिलाकर के 9.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। इसमें आज डीएम कोर्ट से इसका ऑर्डर हुआ है, जिसका तामिला करवाया जा रहा है और इस आदेश की एक प्रति इन लोगों को भी उपलब्ध कराई जा रही है। सुधीर गोयल के ऊपर आज के डेट में लगभग 35 के करीब मुकदमे पंजीकृत हैं और ये एक हिस्ट्री शीटर भी है और एक चिन्हित भूमाफिया भी है। इसकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि एक जमीन कहीं और के दिखा करके लोगों को गुमराह करके कोई प्रॉपर्टी बेच देता था और बाद में जब लोगों को पता चलता था कि ये प्रॉपर्टी जो इनके द्वारा खरीदी गई है वो वहाँ नहीं है, कहीं और है और दूसरी जगह जहाँ पे वो एक्चुअली प्रॉपर्टी थी वहाँ किसी और का कब्जा है, तो फिर लोग आकर के शिकायत किया करते थे। ऐसे कई शिकायतें प्राप्त हुई जिनके आधार पर इसके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हुए और गैंगस्टर की कार्रवाई की गई।